सो वेलकम बैक टू माई चैनल टेग्राफर। सो गाइस, अगर आपके पास सैमसंग के यहाँ पर गैलेक्सी M51 या फिर गैलेक्सी M31 या फिर गैलेक्सी M31S है, एंड अगर आपको अभी तक यहाँ पर UI 3.0 का जो ऑफिशियल जो अपडेट है अगर आपको ये नहीं मिला है, तो गाइस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर कल एक वीडियो बनाया था और आपको दिखाया था कि गैलेक्सी M21 में आपको ऑफिशियल UI 3.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। सो बात करते हैं अब इस वीडियो में। तो गाइस, आपको यहाँ पर जाना है सैमसंग के यहाँ पर जो ऑफिशियल मेंबर जो ऐप है उसमें आपको जाना है, एंड जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन का दिखाई देता है, उसमें आपको टैप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस, यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 मार्च को आपको एक नोटिस दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं UI 3 अपग्रेड विथ Android 11। सो इसमें मैं टैप करता हूँ, एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि UI 3 अपग्रेड विथ Android 11। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीटेड क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक कौन सी डिवाइस को यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पर गैलेक्सी नोट 10 लाइट है, गैलेक्सी A51 है, गैलेक्सी M30S है जो कि फरवरी के महीने में आपको ये अपडेट दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर सारे यहाँ पर फ्लैगशिप कैटेगरी के स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स है। एंड जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैलेक्सी S20 यानी यहाँ पर सभी यहाँ पर हाई एंड डिवाइस है, लेकिन बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी M31 एंड M21 का भी यहाँ पर UI 3.0 का ऑफिशियल अपडेट दिया गया है। लेकिन कुछ यूज़र्स को यहाँ पर जो M31 के जो कुछ यूज़र्स है उन लोगों को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है। सो गाइस डोंट वरी, आपको ये अपडेट बहुत ही जल्द आ जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एलिजिबल मॉडल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंटेटिव एक डेट्स बताया गया है जिसमें आपको बताया कि कब तक ये जो UI 3.0 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो कब तक आ सकता है। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लिखा गया है गैलेक्सी M51 अप्रैल 2021 यानी अप्रैल में, यानी अगले महीने यहाँ पर UI 3.0 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो आपको गैलेक्सी M51 में आ जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं गैलेक्सी M31S के लिए भी सेम आपको डेट है कि अप्रैल 2021। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गैलेक्सी A सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन है, चाहे A50, A50S, A21S, उसके बाद यहाँ पर आपको A20, A10, A20S सारे यहाँ पर जो डिवाइस है उनमें भी आपको UI 3.0 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो आपको यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त में आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स है। आप एक काम कीजिए कि जो वीडियो है इसको पॉज करके आप पूरा यहाँ पर जितने भी डेट्स है एक बार आप नोट कर लीजिए आपके पास जो भी डिवाइस है। सो गाइस एक बात तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि सैमसंग ने अपने जो भी यहाँ पर लोअर एंड डिवाइस है उन डिवाइस को भी यहाँ पर UI 3.0 का ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। सो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो चलिए गाइस, अगर आपके पास यहाँ पर M51 है या फिर M31S है और अगर आपको UI 3.0 का ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है, तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि कब तक ये जो अपडेट है वो आ सकता है। सो चलिए गाइस, यही था इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड गाइस यहाँ पर UI 3.1 का भी यहाँ पर अपडेट जो है वो आ चुका है। एंड गाइस उसके रिलेटेड में जितने भी फीचर्स है, नए जितने भी फीचर्स है उसको मैं कवर किया हूँ, तो आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हो। सो चलिए गाइस, आई होप कि वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे आपके लिए क्वालिटी वीडियोज लाता रहता हूँ। सो चलिए गाइस, मिलते हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।